जय हिंद, जय भारत। er.mts में हम सभी प्यारे मित्रों का, भाइयों बहनों का स्वागत करते हैं। हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देन कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ये बायोलॉजी की नेक्स्ट क्लास है जो उसमें हम आपको बताएंगे। इसके पहले हमने जीवधारियों के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन किया, स्टडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जो उसको मेन जो फंडा दिया था उसके कार्ल मार्क्स लिनियस ने दिया था। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसको सिस्टम नेचुरल, उसमें ने अलग अलग जीव जंतुओं से उनको कैटेगराइज किया। उसके 5 भागों में उसने उन्हें विभाजित किया था, मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, एनिमलिया और प्लांटी। इन्होंने 5 ग्रुप में इसको डिवाइड किया था। उसके बाद बात ये आई कि अब जीवधारियों का वर्गीकरण किया जाए, तो इसके लिए एक द्विनाम पद्धति अप्लाई की गई, जिसमें क्या किया जाए, उनके साइंटिफिक नेम रखे गए, वैज्ञानिक नेम रखे गए। तो उसके लिए उन्होंने क्या क्या सिस्टम अपनाया, जैसे एक साइंटिफिक नेम रखे गए, जैसे कि मटर का हो, सरसों का पौधा हो, तो इसके अलग अलग वैज्ञानिक नाम रखे गए। तो ये वैज्ञानिक जो थे उनका नाम था कार्ल मार्क्स लिनियस, सिस्टम नेचुरा, जो बॉटनी के अंतर्गत हम सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। ठीक, 1700 किसकी बात है, 1753 ईस्वी की बात है। लिनियस को वर्गीकरण का जन्मदाता कहा जाता है, मॉडर्न फादर ऑफ टेक्सटोनॉमी, इसको वर्गीकरण का जन्मदाता कहा, जिसके नाम पर द्विनाम पद्धति बहुत ज्यादा प्रचलित है। जिस पद्धति के अनुसार दो शब्द जैसे होमो सेपियंस, ये किसका वैज्ञानिक नाम है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। तो जब होमो की बात करेंगे तो होमो आपकी हो गई वंश, जो जेनेरिक नाम है, और सेपियंस जो होगा या वो आपकी क्या हो गई, स्पीसीज नेम है। तो 2 भागों में इसको डिवाइड किया गया। ये जो नाम द्विनाम पद्धति किसने किया था, लीनियस भाई साहब ने दिया था, उन्होंने इसको क्या किया, कैटेगराइज किया। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस, मेढक का राना टिग्रेना और सांप का नाजा नाजा, ठीक है, और इसके बाद आम का मैगीफेरा इंडिका, ठीक है, मटर का जो पौधा होता है उसका वैज्ञानिक नाम पाइसम सटाइवम होता है। पाइसम उसका क्या हो गया, वंश हो गया, सटाइवम उसकी क्या हो गई, जाति हो गई। तो वंश और जाति के आधार पर इनको क्या किया, विभाजित किया गया, पाइसम सटाइवम। जैसे सरसों के पौधे का नाम क्या है, ब्रेसिका कम्पेस्टिस, ये इसका साइंटिफिक वैज्ञानिक नेम है। तो अगर जो ब्रेसिका की बात करेंगे तो वंश हो गया, कम्पेस्टिस क्या हो गया, आपकी जाति हो गई। तो इस हिसाब से हमने डिवाइड किया है, ठीक है। तो जैसे आपका किस हिसाब से वंश करता है, किस हिसाब से जाति चलती है, ठीक है। जैसे क्या होता है, जैसे हमने मुगल वंश पढ़ा और मौर्य वंश पढ़ा, तो इन सबके क्या होते, वंश होते थे, और वंश होने के साथ साथ ये कौन कौन सी जातियों से विभाजित होते थे, ठीक है। जैसे ये मौर्य जात हो गई, चमार हो गए, पासी हो गए, भंगी, तो इसी तरीके से क्या होते हैं, इसमें भी क्या होती है, जातियां होती है, पेड़ पौधों के अंतर्गत, हम जीवधारियों के अंतर्गत जब हम बात करते हैं। तो इसके बाद जब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे तो हम आपको बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ाएंगे सेल्स के बारे में, ठीक है। उसको पुरकिंजे ने दिया था, सेल्स के बारे में पुरकिंजे भाई साहब ने बताया था, क्योंकि ये किसी भी जीवधारी की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई जो होती है वो सेल पर ही निर्धारित होती है, ठीक है। तो इसकी बेसिस पर हम आपको सेल के बारे में नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो दोस्तों, ये आप प्रतिक्रिया करके जरूर बताइएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाइए, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का उचित लाभ उठा सकें, नोट्स बना सकें और जो है चीज़ों को समझ सकें, एनालाइज कर सकें, ठीक। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरीके से अपना प्यार हमारे चैनल er.mts क्लासेस पर बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।